देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब ने कहा था, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। अपने जीवन में लगातार चुनौतियों का डटकर सामना करने वाली, कभी समस्याओं के सामने हार न मानने वाली और खुद को जलाकर चमकने का हौसला रखने वाली शख्सियत का नाम है अयोध्या कुमारी गौड़। चलाना मेरे लिए फायदे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है, घाटा ही लगता है, लेकिन वो घाटा भी मेरे को अखरता नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ाई की कीमत देखी है। मैं इस दौर से गुजरी हूँ कि पढ़ाई की कीमत क्या होती है, इसलिए घाटा होते हुए भी मेरे को गम नहीं है कि घाटा हो रहा है, मैं क्यों स्कूल चला रही हूँ। मेरी सेवा के अंदर मेरा बुढ़ापा, मेरी वृद्धावस्था अच्छी तरह से निकल रही है, इसलिए मैं घाटा सहन करके भी बच्चों को उत्साहित करती हूँ, और जो भी माँ बाप आते हैं उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए फोर्स करती हूँ कि आपको इनकी पढ़ाई तो नहीं छोड़ानी पड़ेगी। यहाँ तक भी जैसे कि आ जाते हैं मुसलमानों के बच्चे होते हैं तो वो कहते हैं हमारे तो मैडम उर्दू पढ़ानी चाहिए, तो मैंने उर्दू के टीचर रखा। मैंने कहा आप उर्दू के पीछे बच्चों को मत छोड़ो, क्योंकि मैं 15 साल तक तो काला अक्षर भैंस बराबर थी, 13 साल 15 साल तक तो पढ़ाई की कीमत मैं जानती हूँ, कितनी कितनी मेरे बाधाएं आई है। 8वीं पढ़ ली मैं, साड़ी पहन के जाती थी, लड़कियाँ हैं ना स्कर्ट पहनती थी, उनके साथ में पढ़ी हूँ, पूरे स्कूल में ये मालूम हो गया था इसके माँ नहीं है तो इनको थोड़ी छूट दे दो, लेट आती है। तो भाई ने ऑब्जेक्शन किया, विरोध किया, तो मैंने कहा मैं 4 बजे खाना बना के चली जाऊंगी, तो इसलिए मैं कीमत जानती हूँ। मेरा नाम गरिमा गौड़ है और अयोध्या कुमारी गौड़ जो है मेरी सास हैं, वो बच्चों से उनका लगाव है, हमारे घर का खुद का स्कूल है सेटअप किया हुआ और वो उसमें सारे मैनेजमेंट का काम वो करते हैं, उसमें बच्चों को पढ़ाते भी हैं और सब बच्चों में शामिल होके नर्सरी 2-8 तक सबको वो मैनेज करते हैं। स्कूल घाटे में जा रही है, लेकिन अगर इनसे पूछा जाए तो वो इस चीज़ के लिए मना करेंगी। एक तो इनको बच्चियों को आगे बढ़ाने का, वो हर स्थिति में उनको आगे लाने का इनका प्रयास है, इसलिए वो स्कूल बंद करने का तो वो ऐसा विचार नहीं करेंगे। बचपन में तो देखो दिक्कत ऐसी हुई कि हमारे घर में स्कूल चलती थी, मेरी मदर थी नहीं, हम तो वो बच्चे पढ़ते थे तो मैं खड़ी होकर उनकी स्लेटें जो पढ़ाते थे जो ऐसे देखती थी, झुक झुक के देखती थी, खड़े रहती थी, क्योंकि हम मकान मालिक थे, वो स्कूल की राय दे रखी थी। तो वो विद्यावती सक्सेना थी जो कि हमारे पिताजी के दोस्त की वाइफ थी, उन्होंने एक दिन क्या कहा कि तू है ना जो 2 अक्षर सीख ले पंडित जी को पत्र तो लिख देगी। तो मैंने उनको हंसी मजाक में कहा कि हमारे तो जो जयपुर के अलावा कहीं शादी होती नहीं है, मैं जयपुर में मेरी शादी होगी मेरे को पत्र लिखने की जरूरत ही कहाँ पड़ती है, कि फिर भी क्या होता है कोई ध्यान थोड़ी पड़ता है। तो फिर क्या मालूम 2 साल निकल गए, क्या मालूम मेरे कैसे जच्ची, मन का चलो अपन ये कहते हैं तो पढ़ लेते हैं, फिर बाद में है ना जो मैंने कहा चलो पढ़ाओ, उन्होंने पढ़ाया, उम्र इतनी थी समझ में जल्दी आ गया, तो मैंने दोबारा मैंने हिंदी पढ़नी भी सीख ली, पहाड़े वगैरह भी आ गए, तोला मासा शेर छटांग रती ये थे उस समय हमारे जमाने में गणित वो भी आ गई। तो फिर बाद में फिर मैंने छोड़ दिया, मेरे को आगे चिट्ठी लिखना, लेकिन एक प्रेम आऊ जाती। उन्होंने कहा मिशन स्कूल था जो कि ईसाइयों की थी, वो गवर्नमेंट में गई थी, तो उन्होंने कहा तो विद्यावती से ना 5वीं का सर्टिफिकेट लेके 6ठी में भर्ती हो जा। मैंने कहा मेरे को कौन 6ठी में भर्ती कर, तू ले तो सही मैं करा दूंगी। मैं आज भी उनका एहसान नहीं मान सकती, अभी भी याद करती हूँ तो कहती हूँ कि उन्हीं की नींव सी है एक तरफ से मेरे। 3 सालों में मैंने ना इतनी जगह बना ली टीचर के सब तरह से मेरे को टीचर सहयोग देते थे। फिर क्या था मेरी पढ़ाई में रुचि हुई, रुचि होते होते 3 साल में मैंने 8वीं कर ली, तो उस समय मेरी इतनी रुचि हुई, इतनी लगन लगी पढ़ाई में, तो जैसे ही 8वीं कर ली मेरे को 9वीं में भर्ती होना था, 9वीं भर्ती होना था, तो उस समय सगाई की बातें चलने लगी थी, 18 साल की हो गई थी मैं, तो शादी की बातें चलने लगी, लेकिन मैंने जिद करी। तो फिर बाद में पिताजी ने कहा भाई कि भाई मैं इसी ससुराल वालों से पूछ लूँगा, अगर वो कह देंगे तो मैं रेगुलर करवा दूंगा। तो फिर बाद में इन्होंने पूछा, मेरे ससुराल वालों से पिताजी ने पूछा, तो उन्होंने कहा हम पढ़ाई तो नहीं छुड़ाएंगे लेकिन प्राइवेट दिला देंगे। जब मैं 2-3 साल फेल हुई, फिर बाद में सोचा अपन तो बिना टेंथ करे, दिमाग में ये बैठ गया अपन तो बिना टेंथ करे ही मरेंगे इस दुनिया से, थोड़ी हताश सी हो गई मैं एकदम से। लेकिन पारिवारिक कलेश इतना था, मेरे हस्बैंड तो चाहते थे पढ़ लो, लेकिन है ना जो मेरी सास वगैरह नहीं चाहती थी, ताने मारती थी। 63, 62, 64 में मैं फेल हो गई और 65 से 71 तक मेरी पढ़ाई का रुकने का कारण मेरा पारिवारिक कलेश था, क्योंकि हमारा संयुक्त परिवार, फिर बाद में हमारे को मौका मिला, हम 71 में अलग हो गए परिवार से, अलग हुए तो फिर बाद में हमारे जो रहते थे हमारे इनके पास पटवारी जी के लड़के थे, वो मेरे को मामी कहते थे, तो मेरे ऐसे सर्दियों में ऊपर धूप में बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा चंदू जी मेरे को है ना जो 10th करने की इच्छा है, तो उन्होंने कहा कर लो, मैंने कहा मैं तो 8वीं पास हूँ, 9वीं का सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊंगी,
फिर मम्मी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, शपथ पत्र दे देंगे मामी जी आपका और आप टेंथ कर लोगे। मैंने कहा शपथ पत्र कौन लाएगा, फिर शपथ पत्र मैं बनवा। फिर बाद में उन्होंने डॉक्टर के साइन करा के शपथ पत्र बनवाया और टेंथ का फॉर्म भराया। तो उन्होंने वो सारी जिम्मेदारी ली सारी की सारी, वो मेरे को मामी जी बोलते थे रिश्ते में और सारी। फिर बाद में मैंने टेंथ करी, उसमें भी मैं 2 साल फेल हो गई। फिर 11वीं करी, 11वीं में भी 1 साल फेल हो गई। लेकिन फिर मेरे क्या मन क्या था, लगन ऐसी थी। फिर बाद में ओसियाँ से जाके मैंने टेंथ करी। पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी आई कि मैं ना जो यहाँ नहीं कर सकी। फिर मेरे हस्बैंड ने भी कहा मेरे को तो करानी है, दूसरा कोई विरोध कैसे करेगा। मेरा नाम अयोध्या प्रसाद गौड़, मैं पेशे से ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी केन ऑयल एंड गैस में जनरल मैनेजर। अयोध्या कुमारी गौड मेरी माताजी हैं और उनके संघर्ष को जितना मैंने देखा, जितना मैंने परिवार से, पिताजी से, खुद उनसे सुना, वो चीज़ बहुत प्रेरणा देती है मुझे। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब एक जो बात एक बहुत बड़ी अड़चन के रूप में उनको समझ में आई वो थी इंग्लिश का ज्ञान नहीं होना। इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में हुआ करता था। ऐसे में जो हेल्प मिली वो मेरी बहन से मिली, उनकी बेटी ने उनको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाया। हमारी जो सासू माँ हैं उन्होंने बचपन से ही जो है शिक्षा का उनमें बचपन में थोड़ा अभाव देखा, उन्होंने उनमें लगन तो बहुत थी पढ़ने की। फिर बाद में उन्होंने सब कुछ सीखा। अब भी वो 74 ईयर में हैं और वो अभी यही चाहते हैं कि एक तो उनका जो बच्चों से लगाव है उससे उनका बुढ़ापा आसानी से निकल जाए, और ये जो बच्चों का जो शिक्षा देने का जो उनका मिशन है वो उनका जीते जी हमेशा वो ये चाहती हैं कि वो ये रहे और वो हमेशा इस चीज़ को आगे बढ़ावा देती रहेंगी।